श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज, बीकॉम पार्ट सेकंड, जिसमें हम ईबीएसटी सेकंड लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। बच्चों, आपने पहले देखा होगा कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए और आपने उनका अभ्यास किया होगा। तो अब हम आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। बच्चों, यूनिट कॉस्टिंग अपना टॉपिक चल रहा है, 8 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करा दिए थे। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित विवरणों से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल लागत के विभिन्न तत्वों पर लाभ को दर्शाते हुए एक लागत विवरण बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन एंड सेल एंड कॉस्ट फॉर द ईयर 2017 आर गिवन। तो बच्चों, आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है बच्चों, देखिए आपको बताया था 3 कॉलम बनाएंगे आप, एक पर्टिकुलर का, एक डिटेल का और एक नेट का। तो आप लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं 5, 4 आपको करा दिया था बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कॉस्ट के फैक्टर्स चेक करते हुए दिखाना है बच्चों इसको। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, सिस्टमेटिकली चलना है आपको। पहला लिखा हमने पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट रुपीज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मेटेरियल, रॉ मेटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 40,000। ऐड किया इसमें परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल 4,75,000। इसी में हमने ऐड कर दिया बच्चों कैरिज इनवर्ड 12,500। तो टोटल हुआ हमारा 5,27,500। डिडक्ट किया इसमें से स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 50,000। तो 4,77,500। तो ये हमारा हो गया बेटा रॉ मेटेरियल कंज्यूम। रॉ मेटेरियल कंज्यूम के बाद आप लिखेंगे बच्चों एड वेजेज, गिवन है बच्चों डायरेक्ट 1,75,000। ये हमारी हो जाती है बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं वर्क ओवरहेड, सबसे पहले इसमें दे रखा है बच्चों फैक्ट्री से संबंधित छांटना है, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी गिवन है बच्चों 30,000। फैक्ट्री एम्प्लॉयज सैलरी 60,000।
फैक्ट्री रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 7,250, पावर एक्सपेंसेस 9,500, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 43,000, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी और ऐड कर देंगे बच्चों कितना 15,000, इनका टोटल हुआ बच्चों 1,64,750। लेस करेंगे बच्चों इसमें से क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 10,000, तो 1,54,750 ऐड कर देंगे बच्चों इसमें 7 लाख, वो 8,07,250 ये हमारी हो जाएगी बच्चों नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसी को आगे कंटिन्यू करना है बच्चों नेक्स्ट पेज पे, अगर आपका पेज भर जाता है इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू और 8,07,250 हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गई बच्चों। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे इसमें आप ऐड करोगे बच्चों किसको, ऑफिस ओवरहेड को, ऑफिस ओवरहेड्स में बच्चों आपको दे रखे हैं जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस दे रखे हैं बच्चों 32,500, बस एक ही एक्सपेंसेस है बच्चों एट लाख 39,750 ये हमारा होगा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें आप ऐड करेंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6,000 का है बच्चों, और इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,000, तो ये हमारा आ जाता है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें हम ऐड करते हैं बच्चों प्रॉफिट, तो हमारा आता है बच्चों सेल्स गिवन है 8,60,000, तो 8,60,000 में से डिडक्ट कर देंगे बच्चों 8,30,750, तो 29,250 का प्रॉफिट आ गया बच्चों, बैलेंस इन फिगर में अंतर की राशि। तो देखिए बच्चों इसमें से आप इनकम टैक्स डिविडेंड और डिबेंचर इंटरेस्ट और ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी गुडविल रिटेन ऑफ और पेमेंट ऑफ सेल टैक्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए बच्चों आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है कौन सा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनवा रहा है बच्चों, इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास, स्टॉक की टेबल गिवन है और कुछ खर्चे आपके पास गिवन है। तो आप देखिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल
तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बच्चों आपको 14,000। ऐड करेंगे बच्चों इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,75,000 का, कैरिज इनवर्ड ऐड करेंगे बच्चों 12,500 और लेस करेंगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। तो ये हमारा कैलकुलेट होगा बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी 4,77,500 यानी 4,77,500 आफ्टर देन एडेड इन वेजेस। प्राइम कॉस्ट में बेटा तीन चीज़ें लेते हैं, आपको बताया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर देंगे, 1,75,000 का है बच्चों और रॉ मटेरियल कंज्यूम था बच्चों 4,77,500। देन प्राइम कॉस्ट इज 6,52,500। आफ्टर देन एडेड वर्क ओवरहेड, तो देखिए बच्चों स्टार्टिंग से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लिख चुके, कैरिज इनवर्ड लिख चुके, वेजेस लिख चुके, वर्क मैनेजर सैलरी आ जाएगा कितना 30,000, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी आ जाएगा बच्चों 60,000, फैक्ट्री रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस आ जाएगा 7,250, पावर एक्सपेंसेस आ जाएगा बच्चों 9,500, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आ जाएंगे बच्चों 43,000 और ओपनिंग WIP आ जाएगा बच्चों 15,000 और लेस कर देंगे बच्चों इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 6,000 का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 10,000 का लेस कर दिया तो 1,54,750 ऐड किया बच्चों यानी फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। तो नीचे हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट को एडिड कर लिया तो बच्चों नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है 8,07,250। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया बच्चों। इसमें बाद हम ऐड करते हैं बच्चों ऑफिस ओवरहेड। तो आप देखेंगे बच्चों जर्नल एक्सपेंसेस हैं, जर्नल एक्सपेंसेस ऑफिस में ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों, तो ये हमारे को दे रखा है बेटा 32,500 ऐड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 8,39,750। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया बच्चों 6,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000 लेस कर दिया तो कैलकुलेट होकर आएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने ऐड कर दिया बच्चों प्रॉफिट, तो क्या आता है सेल्स। तो प्रॉफिट गिवन नहीं है बच्चों, यहाँ पर सेल्स गिवन है, तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस हमारे पास प्रॉफिट कहलाता है बच्चों, यानी यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों, वो नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार इनकम टैक्स, डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट, ट्रांसफर थ्रू सिंकिंग फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए बच्चों इनको आप नीचे लिख के आएंगे, ये आइटम आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। तो इसी तरह हम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यानी आपको सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी है, प्राइम कॉस्ट के बाद आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं तो इसको आपको क्या करना है प्रॉफिट निकाल लेना है बच्चों। अब इसी में हम आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लिया होगा आपने, इसको राइट डाउन कर ले बच्चों प्रॉपर तरीके से। द फॉलोइंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड ऑफ कंपनी एक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March। तो देखिए बच्चों आपको परचेज, फैक्ट्री रेंट, कैरिज इनवर्ड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस, स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, 1 अप्रैल का यानी ओपनिंग है बच्चों, स्टॉक 31st March का ये क्लोजिंग है, रॉ मटेरियल WIP, फिनिश गुड्स, सेल फिनिश गुड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, 32,000 टन ऑफ कमोडिटी वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड, यू आर ए सर्टेन प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट पर टन कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास हों तो क्या करना है आपको, ये चेक करना है।
क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, सिक्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। वही तीन कॉलम बनाएंगे बच्चों, पार्टिकुलर डिटेल और नेट, वो तो आप लिख ही देंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है बच्चों कितना, 40,000 का। ऐड करना है इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास गिवन है बच्चों कितना, 240,000। और इसमें ऐड करना है कैरिज इनवर्ड 2,880। टू लाख एटी 2,880 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डिडक्ट कर दिया बच्चों इसमें से, टू लाख 38,000, सॉरी 400 है तो 2,38,400। ये हमारा हो गया बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड करेंगे अब डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज में गिवन है आपको 2,00,000, 4,00,000, 38,400। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री रेंट 16,000, अदर फैक्ट्री ओवरहेड 80,000, 96,000 हो गया बच्चों। तो इसको ऐड कर दिया ऐड कर दे बच्चों इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी 9,600। लेस करेंगे बच्चों इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी 40,000। फाइव लाख 4,000। तो देखिए बेटा फर्स्ट आंसर हमारा ये है, सेकंड आपसे पूछ रहा है कौन सा, फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट हो गई बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट एड ऑफिस ओवरहेड
ऑफिस ओवरहेड में आ जाइए बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है आपके पास, गिवन है 8,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से 8,000, तो ये हो जाता है बच्चों 5,12,000। ये हमारी कैलकुलेट हो गई बच्चों कौन सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है बच्चों नीचे बोल रहा है, यानी यह टन अगर लिखते हैं तो कितने टन हुआ है, 32,000। ऐड करेंगे बच्चों इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है बच्चों 2000 टन का है और 30,000 का है, फाइव लाख 42,000 का हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है बच्चों 4,000 टन का, और अमाउंट दे रखा है बच्चों कितना 64, लेस कर देंगे फोर लाख 78,000, ये हमारा आ जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कंटिन्यू करेंगे बच्चों इसको, यूनिट तो है बच्चों हमारी 34 में से 4,000 गया, कितना बच्चों 30,000 यूनिट के हैं, और अमाउंट हमारा आया बच्चों 4,78,000। ऐड करेंगे बच्चों इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं बच्चों आपको 1 रुपये पर टन, तो 30,000 टन है, 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों कितना हो गया 30,000, फाइव लाख 8,000, ये आपको हो गया बच्चों टोटल कॉस्ट। ऐड प्रॉफिट, फाइव लाख 98,000 सेल्स गिवन है, तो बच्चों प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर में आ जाएगा आपका, देखिए बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूछ रहा है आपसे, तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएं तो किस तरीके से करना है ये देखिएगा। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, गिवन है आपको कितना गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दिए बच्चों, कितना गिवन है देखिए बच्चों 2,40,000 का हमारे पास गिवन है, क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैरिज इनवर्ड 2,880, तो हमारे पास कैलकुलेट हो क्या आया बच्चों अवेलेबल रॉ मटेरियल 2,80,880,
सब्ट्रैक्ट यानी लेस कर दिया बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 44,480, तो कैलकुलेटर क्या आया बच्चों, रॉ मटेरियल कंज्यूम 2,38,400। रॉ मटेरियल कंज्यूम में हमने ऐड करते हैं बच्चों कौन सा, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 2 लाख, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आती है बेटा 4,38,400। फिर हमने ऐड किया इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड में बच्चों हमारे फैक्ट्री रेंट, अदर फैक्ट्री ओवरहेड 96,000 हो गया बच्चों। ये इसमें ऐड कर दिया बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 9,600 का, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP डिडक्ट कर दिया बच्चों 40,000 का, तो ये हमारा हो गया 65,600। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई बच्चों 5,04,000, यानी आपने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कर दिया बच्चों 65,600, तो ये हमारे पास हो गया फैक्ट्री कॉस्ट 5,04,000। ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दिया बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है 8,000 के, तो 5,12,000 हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ डिटेल वाले को बेटा आप यूनिट में बदल दें, और टन दे रखा है 32,000 प्रोडक्शन हुआ है, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से बच्चों 2,000 टन का है, और अमाउंट गिवन है हमारे पास 30,000, तो हमने ऐड कर दिया तो बच्चों 34,000 और 5,42,000। लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,000 का, और अमाउंट आ गया बच्चों 64 का गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया बच्चों 30,000 टन हो गया, 4,78,000 का हो गया। ऐड करेंगे बच्चों इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 30,000 × 1 यानी 30,000 के, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई हमारी बच्चों 5,08,000। इसमें ऐड कर दिया बच्चों हमने प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो सेल्स गिवन है बच्चों 5,98,000 का, तो सेल्स में से अगर अपन कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट घटा दें तो बच्चों क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों हमारा। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को प्रिपेयर करना है बच्चों। अब इसी में अपन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग रेडियोज द फॉलोइंग एक्सट्रेट कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ओपनिंग स्टॉक गिवन है रॉ मटेरियल का, WIP का स्टॉक गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट प्रिपेयर करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, यानी आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 7वां कर रहे हैं बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, वही 2 कॉलम कर लेने, पर्टिकुलर का, डिटेल अमाउंट का और नेट अमाउंट रुपीस, और ये हमारा हो जाता है बच्चों पर्टिकुलर का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
28,000 एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 88,000 कैरिज इनवर्ड 4,000 ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल पे ड्यूटी चार्जेस हो गए बच्चों डायरेक्ट होगा इसी में ऐड कर दीजिए 1,23,120 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 36,800 86,320 इसमें ऐड दे रखा है बच्चों WIP ओपनिंग रॉ मटेरियल का 10,000 96,320 लेस WIP क्लोजिंग का रॉ मटेरियल का 7,600 तो ये हमारा आ जाता है बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट लेबर $30,000 एट ओपनिंग WIP वेजेस का 36 लेस क्लोजिंग WIP वेजेस का 30,600 ऐड कर दिया बच्चों प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे बच्चों वर्क ओवरहेड्स इसमें हमको दे रखे हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 14,800 एड ओपनिंग WIP दे रखे बेटा मैन्युफैक्चरिंग के 1,600 और लेस क्लोजिंग WIP तो ये हमारा हो जाता है बच्चों वर्क कॉस्ट वर्क कॉस्ट हमारे आया बच्चों 1,34,680 ऐड करेंगे बच्चों आप इसमें ऑफिस ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 11,300 बस एक ही है बच्चों तो ये हमारा हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं बच्चों, एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग एक्सपेंसेस 5000 5020 है बच्चों, 151000 ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गई बच्चों। तो देखिए बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आप देखेंगे बच्चों WIP 3 स्तर पर दे रखा है, रॉ मटेरियल के स्तर पे भी दे रखा है हमको, और इसमें वेजेस का भी है और मैन्युफैक्चरिंग का है। तो रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल के साथ एडजस्ट कर देंगे बच्चों, और वेजेस का वेजेस के साथ, और मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो आप देखिएगा बच्चों किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमारे को गिवन है बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 28000, ऐड कर दिया बच्चों इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 88000, ऐड कर दिया बच्चों कैरिज इन वर्ड 4000, ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल 3120, और लेस करा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 36800। तो हमारा कैलकुलेटर का है बच्चों 86320। इसमें ऐड किया WIP ओपनिंग रॉ मटेरियल का 10000, और लेस किया WIP क्लोजिंग स्टॉक 7600 का, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया बच्चों 88720। डायरेक्ट लेबर है बच्चों 36000, ओपनिंग WIP वेजेस का 3600 और क्लोजिंग WIP का है 3000, तो टोटल नेट आ जाता है बच्चों 30600। तो प्राइम कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होकर आती है बच्चों 119320। फिर हमने इसमें ऐड किया बच्चों वर्क ओवरहेड यानी मैन्युफैक्चरिंग 14800, ऐड किया इसमें ओपनिंग WIP 1600, तो ये हमारे पास हो के आता है बच्चों 16400। इसमें लेस किया क्लोजिंग WIP 1040, तो नेट आ जाता है बच्चों 15360। तो हमारी वर्क कॉस्ट आती है बच्चों 134680। इसमें हमने ऐड किया बच्चों ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है बेटा 11300। तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है बच्चों 145980, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं बच्चों 5020 के, तो टोटल एक्सपेंसेस हो जाता है बच्चों, टोटल कॉस्ट हमारे आ गए बच्चों 150000। तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के बाद ऑफिस ओवरहेड, और ऑफिस के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके बाद टोटल कॉस्ट आती है। परफॉर्मा आपको बता चुके हैं बच्चों, उसका अभ्यास कीजिए, एग्जांपल्स आप करके देखिएगा बच्चों, जब कॉलेज चालू हो जाए उस समय आप हमसे पूछ सकते हैं। नोट करते जाइए बच्चों, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं यानी इन क्वेश्चनों को करने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप वैसे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बुक ज़रूर ले लें और बुक के साथ साथ अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप सीखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना, बाकी नेक्स्ट कक्षा में हम अध्ययन करेंगे।